न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एसटीएफ गोरखपुर की यूनिट ने सिद्धार्थ नगर जिले में शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे दो शिक्षक, एक स्टेनो और दो दलालों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक बीएसए सिद्धार्थ नगर का स्टेनो भी शामिल, सीओ कैंट ने दी जानकारी। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा शासन की विकास प्राथमिकताओं में शामिल योजनाओं का समय अनुसार करें पूरा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई धान क्रय की मंडलीय समीक्षा बैठक, अधिक से अधिक किसानों के धान खरीदने सहित पंजीकरण कराने के दिए निर्देश, किसानों से किया अपील। जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक, पात्र कृषकों को केसीसी से संतृप्त किए जाने सहित शासकीय योजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर एकात्म मानव दर्शन एक संपूर्ण विचार विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल। छोटा पशुओं को लेकर नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अभियान, महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा रोड पर पाए जाने वाले छुटुआ पशुओं के पशुपालकों से वसूला जाएगा जुर्माना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित की गई संगोष्ठी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन पर की गई चर्चा। राष्ट्रीय सेवा योजना के 50वें स्थापना दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवियों को कुलपति द्वारा किया गया पुरस्कृत। 15 अक्टूबर से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के संभावित भ्रमण को देखते हुए विद्युत विभाग की आयोजित हुई कार्यशाला, 50,000 से अधिक बिजली बकायेदारों को आरसी जारी करने सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर विश्वविद्यालय डिग्री शिक्षकों हेतु शॉर्ट टर्म कोर्स का किया गया शुरुआत, गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेजों के शिक्षक ने किया प्रतिभाग। 8 अक्टूबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ गोरखनाथ मंदिर में मनाया जाएगा विजयदशमी का महापर्व, मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाली जाएगी भव्य विजय शोभा यात्रा। मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में होगा श्री राम का राज तिलक। और सेंटन ड्यूज पीजी कॉलेज में अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की हुई शुरुआत, कॉलेज के विभिन्न संकायों के बीच खेला गया मैच।